Hello everyone and welcome to EduTab. So guys, first of all, I hope all of you are safe, all of you are sound at your homes and all of you are following the lockdown, and we have to fight this pandemic as a strong society. So guys, I hope aap sab safe ho, aap sab lockdown follow kar rahe ho aur aap sab social distancing bhi follow kar rahe ho. But as we are at home, so we can start preparing for our phase one, जो कि near future में होने वाला है. And आज का जो session है guys, वो हम करने वाले एक बहुत ही important topic पे, which is close test. But another disclaimer guys, के I hope you understand, हम भी सब we are also stuck at homes, so we are recording all these videos from our homes. So we do not have the professional equipment with us. तो साउंड का थोड़ा सा इशू हो सकता है गाइस, सो प्लीज बेयर विद मी. आप अपने डिवाइसेस पे थोड़ा सा साउंड को हाई करके या ईयरफोन्स यूज करके आप ये वीडियो देख सकते हो एंड इट विल बी ऑडिबल टू यू. तो गाइस, क्लोज टेस्ट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है और पेपर में वेटेज क्या होती है. क्लोज टेस्ट, जिसको हम बचपन से फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते आए हैं गाइस, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या क्लोज टेस्ट इसे बोला जाता है इस पेपर में. अब वो क्या करता है, एग्जामिनर पेपर में एक पैराग्राफ देता है और उस पैराग्राफ में पांच वर्ड्स को ब्लैंक कर देता है और उन पांच वर्ड्स के वो आपको ऑप्शंस देता है, जिनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है कि ये वर्ड यहाँ पे बिल्कुल एप्ट है. अब ये पांच मार्क्स का आता है एंड रफली पांच मार्क्स का आता रहा है. लेट्स सी अब की बार कितने मार्क्स का आता है, बट ये आता जरूर है एग्जाम्स में. बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये क्लोज टेस्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वोकैबुलरी. स्टूडेंट्स हैव दिस नोशन दैट क्लोज टेस्ट इज ओनली बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, बट दैट्स रॉन्ग गाइस. क्लोज टेस्ट सिर्फ वोकैबुलरी पे बेस्ड नहीं होता, इसमें और बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी ग्रामर, आपकी लॉजिकल एबिलिटी एंड देन योर वोकैबुलरी. So there are many other factors which influence the understanding of a close test. So let's begin. आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो close test समझेंगे कैसे होता है, उसकी tips and tricks क्या हैं, और फिर मैं कुछ close test आपके साथ practice भी करूँगा आज, ठीक है? So that we can see कि हम उसको कैसे paper में हमें tackle करना है. तो a close test looks something like this. जैसे उसने ऊपर एक paragraph दिया है, आप देख रहे हो. और उस पैराग्राफ में पांच ब्लैंक कर दिए हैं बाय नंबरिंग देम 1, 2, 3, 4, 5, और फिर हर ब्लैंक के आपको उसने ऑप्शंस दिए हैं और फिर उसने कहा है कि ऑप्शंस में से चूज करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे उस ब्लैंक में सही एप्ट है. बच्चे को लगता है कि सर यहाँ पे सिर्फ वोकैब का ही तो रोल है, बट नहीं गाइस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अब होता क्या है, अब गलती क्या होती है, जैसे हम पेपर में हमारे सामने क्लोज टेस्ट आता है, जैसे सामने है अभी, हम क्या करते हैं, हम इसको सेंटेंस वाइज या ब्लैंक वाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जैसे द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ रीजन इज डैश बाय द कोएग्जिस्टेंस. हम इससे आगे पढ़ने की बजाय हम सीधा क्या करते हैं, द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ रीजन इज डेवलप्ड बाय, क्योर्ड बाय, इम्प्रूव्ड बाय, इनहेंस्ड बाय या करेक्टराइज्ड बाय. तो बच्चे को लगता है यार द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात हो रही है तो ऑफ अ रीजन इज डेवलप्ड होना चाहिए मेरे ख्याल से, या क्योर्ड होना चाहिए. गाइस आप स्पॉट इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, आप स्पॉट चॉइस नहीं कर सकते यहाँ पे. दिस इज वेयर ही ट्रबल्स यू, ठीक है, यहीं पे वो चाहता है कि आप गलती करो. अब ये नहीं करना हमें गाइस, हमें क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो समझिए. क्लोज टेस्ट कभी भी आप, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कभी भी आप एक रीडिंग में सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है गाइस, आपने इसको दो बार पढ़ना होता है, यू हैव टू रीड द क्लोज टेस्ट ट्वाइस. अब पिछले सेशन में मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या कहा था कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर आपको अपने पैसेज पढ़ना है. इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है गाइस, इसमें आपको पैराग्राफ पहले पढ़ना है और ऑप्शंस बाद में पढ़ने हैं. बिकॉज अगर आप ऑप्शंस पहले पढ़ लोगे, साथ साथ पढ़ लोगे, तो फिर बायस्ड हो जाओगे. तो आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको पैराग्राफ दो बार पढ़ना है. और उसका तरीका क्या है, आप पहली बार जब पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको एक क्विक रीडिंग देनी है विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस, जिससे आपको क्या पता चले, जिसमें आपको क्या ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड द टोन एंड द आइडिया ऑफ द पैसेज.
कि आपको एक टोन पता चले और एक आइडिया पता चले पैसेज का, कि पैसेज की टोन क्या है। सबसे पहले टोन का मतलब क्या होता है, कि पैसेज में कोई नेगेटिव बात हो रही है, कोई पॉजिटिव बात कर रहा है वो, कोई क्रिटिकल बात कर रहा है, कोई डिस्क्रिप्टिव, कोई अप्रिशिएट कर रहा है किसी चीज़ को, तो वो टोन होती है उसकी, कि पैसेज की टोन कैसी है। अब उसका फायदा क्या होता है गाइस, अब मान लो अगर पैसेज की टोन नेगेटिव है तो हमें ये भी समझ आएगा कि जो मेरे ऑप्शंस होंगे वो भी क्या होने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव होने चाहिए। अगर किसी पैसेज की टोन अप्रिशिएटिव है, किसी चीज़ को वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो हमें ये भी समझ आना चाहिए कि यहाँ पे मेरी जो ऑप्शंस हैं वो भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इससे आपके चॉइस में हेल्प मिलती है। सेकंड, आपको एक आइडिया मिलना चाहिए पैसेज की किस बारे में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनना। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, इंडिया इज अ डैश कंट्री, और डैश के मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दे दिए, डेवलपिंग कंट्री, स्ट्रगलिंग कंट्री, बैकवर्ड कंट्री, अमेजिंग कंट्री या स्टैग्नेंट कंट्री। अब सिर्फ इस एक सेंटेंस से आप ये कभी नहीं समझ पाओगे कि पैसेज किस बारे में है, आगे मैं किस बारे में बात करूंगा, यू विल हैव नो आइडिया। लेकिन अगर आपको मैं फर्स्ट इंस्टिंक्ट से पूछूं तो आप यहाँ पे क्या फील करते हैं, इंडिया इज अ डैश कंट्री, डेवलपिंग, स्ट्रगलिंग, बैकवर्ड, अमेजिंग या स्टैग्नेंट? मेरे ख्याल से 90% बच्चे क्या लिख देते हैं, डेवलपिंग कंट्री। क्यों सर, हमने सुना हुआ है। ये गलती नहीं करनी आपने वहां पे, जो आपने सुना हुआ है दैट मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू हियर। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज वो पैसेज किस बारे में है, वो जो टॉपिक है, वो पूरा पैराग्राफ किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसकी टोन क्या है। जब तक उसकी टोन नहीं पता होगी आप अपने ऑप्शंस नहीं चूज कर पाओगे गाइस। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको अपने पैसेज की टोन और उसका आइडिया ढूंढना होता है। जैसे अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, जैसे मैंने पढ़ा, द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ रीजन इज डैश बाय द को एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड डैश ऑन वन हैंड एंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड। तो उसने बोला इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात हो रही है एक एरिया की, उसको कैसे समझा जा सकता है, एक तरफ ये और दूसरी तरफ वो, कुछ ऐसे बात हुई है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ डैश चेंज बाय विच द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी डैश ओवर टाइम। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अब बात कर रहे हैं, इट बेसिकली इंप्लाइज अ प्रोसेस ऑफ डैश चेंज बाय विच द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी डैश ओवर टाइम। अ सिंपल बट मीनिंगफुल क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट और व्हाट लीड्स टू अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये सब पढ़ के मुझे पता चला कि पैसेज में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को उसने डिस्कस किया है, कि वो कैसे हो, क्यों होती है, ऑन द वन हैंड ये और ऑन द अदर हैंड दैट, और उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं बाय जिससे पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी की बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से ये वो बात कर रहा था। तो उसने एक अप्रिशिएटिव टोन यूज़ की है, डिस्क्रिप्टिव टोन यूज़ की है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात कर रहा है। अब ये फर्स्ट रीडिंग में मुझे इतना पता चला, अब हमारी ट्रिक्स क्या है और टिप्स क्या है वो समझिए गाइस। नाउ यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली, आपको पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको हर सेंटेंस का आइडिया पता चले कि क्या आइडिया है पैसेज का। नाउ आफ्टर रीडिंग द पैसेज केयरफुली, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द टोन एंड सेंटेंस पैटर्न। कि आपको सबसे पहले, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि पैसेज की टोन पता होनी चाहिए कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्रिटिसाइजिंग है, अप्रिशिएटिव है, कैसी टोन यूज कर रहा है, और फिर सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न का मतलब क्या है गाइस, अब यहाँ पे आती है आपकी ग्रामर, कि सेंटेंस किस पैटर्न में चल रहा है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, और दूसरा एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है। तो एक्टिव, पैसिव और टेंस समझना, इसे हम बोलते हैं सेंटेंस का पैटर्न समझना, उससे आपके ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी गाइस। अब जो यहाँ पे जो ट्रिक है ना गाइस, वो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। अगर आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर जाओगे तो आप बड़े आराम से अपने ऑप्शंस, अपने आंसर्स ढूंढ पाओगे गाइस। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टोन एंड द सेंटेंस पैटर्न, देन यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड टाइप। वर्ड टाइप का मतलब क्या है गाइस, जैसे उसने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इंडिया इज अ डैश कंट्री। अब ये समझो ग्रामेटिकल सेंस कहाँ से आते हैं यहाँ पे। इंडिया क्या है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में इंडिया सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, अ आर्टिकल, डैश कंट्री। तो अब हमें ये समझना है जो ब्लैंक है ना वो कौन सा वर्ड टाइप है, मतलब वो नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। जब तक आपको वो नहीं समझ आएगा आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे गाइस। तो यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड टाइप, कि कौन सा वर्ड टाइप आ रहा है यहाँ पे, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला इंडिया इज अ डैश कंट्री, अब डैश यहाँ पे क्या है, हाँ जी, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ डैश कंट्री। कंट्री क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या वर्ड यूज होते हैं, आई थिंक नाउन से पहले हमें पता है
हम क्या यूज करते हैं एडजेक्टिव। तो अब जब मैं अपने ऑप्शंस देखूंगा ना, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा वर्ड है, कौन सा ऑप्शन है जो एडजेक्टिव नहीं है। तो उससे मैं अपने आप को क्या समझा पाऊंगा कि ये ऑप्शन या ये वर्ड यहाँ पे एलिमिनेट हो जाना चाहिए। सो आइडेंटिफाई द टोन एंड सेंटेंस पैटर्न, एक्टिव है, पैसिव है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। सेलेक्ट द वर्ड टाइप, कि किस वर्ड जो ब्लैंक है वो उसका वर्ड टाइप क्या है, कि वो कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, क्या है। एंड देन स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑब्वियस ऑप्शंस। कि आपने ये सब देख के, मैंने आपको क्या बोला था गाइस, सिर्फ वोकैबुलरी का रोल नहीं है यहाँ पे, लॉजिकल क्रिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोन देखा हमने, हमने वर्ड टाइप देखा, सेंटेंस पैटर्न देखा, और उसको देख के हमने क्या किया, अपने जो ऑब्वियस ऑप्शंस उनको एलिमिनेट कर दिया। अगर आप 5 में से 2 या 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हो तो आपकी चॉइस बहुत आसान हो जाएगी एट द एंड अपने आप को चूज करने में। लेकिन बच्चे पता है क्या ट्रिक यूज करते हैं, जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को करते हुए, मन ही मन बोल के देखने वाली ट्रिक। क्या करते हैं हम, सेंटेंस में हम पढ़ते हैं, ब्लैंक को पढ़ते हैं, और जो जो ऑप्शन दिए हुए ना उनको मन ही मन बोल के देख लेते हैं। इंडिया इज अ डैश कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ स्ट्रगलिंग कंट्री, इंडिया इज अ बैकवर्ड कंट्री, इंडिया इज एन अमेजिंग कंट्री, इंडिया इज अ स्टैग्नेंट कंट्री। जो बोलने में ठीक लगता है ना हमें, हम उसको ऑप्शन बना देते हैं। तो याद रखना गाइस, यू हैव टू रीड द पैसेज एंड अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। जब तक आपको पैसेज समझ नहीं आएगा, आप उसके ऑप्शंस कभी भी चूज नहीं कर पाओगे। सो एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाइल चूजिंग द ऑप्शन यू हैव टू हैव अ प्रॉपर सेंस ऑफ द प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर नोशन ऑफ द पैसेज, एंड आफ्टर यू फिल्ड योर ऑप्शन देन यू रीड द सेंटेंस। फिर आप उसको पढ़ के देखो कि आपने जो फिल किया है, जो सारे ऑप्शंस वहां आपने फिल किए हैं, क्या उससे जो आप सेंस बनाना चाहते थे वो ठीक बन रही है या नहीं बन रही है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू फाइंड वन ब्लैंक के जहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब ऑप्शंस लगे या समझ नहीं आए कुछ ऑप्शंस, तो स्टक मत हो, अटकना मत, एक ऑप्शन में नहीं आ रहा छोड़ दो उसको यार। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन अटेम्प्ट करना ही करना है आपको। आप बीच में से एक ब्लैंक छोड़ दोगे, 4 नंबर ले लोगे 5 में से, दैट इज ऑल्सो ऑप्टिमम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने इसमें। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पैसेज को 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने में क्या, फर्स्ट रीडिंग में आपको उसकी टोन ढूंढनी है, उसका टॉपिक ढूंढना है, आइडिया देना है कि पैसेज किस तरह का है, किस टाइप का है, उसकी टोन क्या है, और फिर वो सब समझ के आपको सेकंड रीडिंग पे आना है। व्हाइल रीडिंग द पैसेज फॉर द सेकंड टाइम, यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड टाइप, कि वर्ड टाइप क्या है यहाँ पे, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, और फिर देख के सारी चीजें, फिर अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, एंड विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू इट, बट स्टिल इट्स इजियर सेड देन डन। तो बच्चे बोलते हैं कि सर आप कहना आसान है, करना इतना ईजी नहीं होता। तो आज ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी कि हम पैसेजेस को जब पेपर में आ जाएंगे तो हमें उनको कैसे टैकल करना है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैसेज जो अभी हम पीछे देख रहे थे, अब इनको ट्राई करते हैं। तो हमने देखा था कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ रीजन इज डैश बाय द कोएग्जिस्टेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड डैश ऑन वन हैंड एंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड। तो ये डिस्क्रिप्टिव से टोन यूज कर रहा है कि एक एरिया के बैकवर्डनेस को कैसे समझा जा सकता है, उसके अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड कुछ एक तरफ और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज दूसरी तरफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, समझना, समझाना, इम्प्लाई करना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे समझा जा सकता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डैश चेंज, इट्स बदलाव की तरह से बोल रहे, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डैश चेंज बाय विच द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी डैश ओवर टाइम। तो डेवलपमेंट है तो मतलब बढ़ने की बात कर रहे हैं वो। तो अब ये सब समझ के आपको अपने ऑप्शंस को देखना है, एंड अ सिंपल मीनिंगफुल क्वेश्चन अराइजेस व्हिच लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट और व्हाट लीड्स टू अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो अब अपने ऑप्शन देखते हैं गाइस। द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ रीजन इज डैश बाय द कोएग्जिस्टेंस, तो द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ रीजन इज डेवलप्ड बाय, क्योर्ड बाय, क्योर तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योर तो बीमारियों का होता है, तो इट कैन इज क्योर्ड बाय, नहीं ये तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, ओके इट कैन बी इनहेंस्ड, इनहेंस तो बढ़ाना होता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को बढ़ाना थोड़ी है ये, तो ये वही ना जो ऑब्वियस ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना। तो ये ऑब्वियस ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किए हैं, एनहेंस्ड बाय या करेक्टराइज्ड बाय, तो इट कैन बी डेवलप्ड बाय द कोएग्जिस्टेंस, नहीं इट कैन नॉट बी डेवलप्ड बाय द कोएग्जिस्टेंस,
आई थिंक यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे. इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय, हाँ, के कंट्री की एक एरिया की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को कैसे समझा जा सकता है. तो इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द कोएग्जिस्टेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड डैश ऑन वन हैंड एंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड. तो इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय, उसे कैरेक्टराइज कैसे किया जा सकता है, इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय कोएग्जिस्टेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, फंड्स, मैन पावर या इंडस्ट्रीज. नहीं, इंडस्ट्रीज तो नहीं हो सकता. अंडर यूटिलाइज इंडस्ट्रीज नहीं, अंडर यूटिलाइज फाइनेंसेस नहीं, और ना ही मेरे ख्याल से यहाँ पे फंड्स की बात हो रही है. या तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मतलब गरीबी की बात कर रहा है वो. तो गरीबी, एक एरिया की गरीबी को कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है, इट कैन बी कैरेक्टराइज बाय द कोएग्जिस्टेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज डैश ऑन वन हैंड एंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज. अगर उसने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की है तो इट कैन बी कैरेक्टराइज बाय अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज. आई थिंक हाँ, रिसोर्सेज कि जिन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा या अंडर यूटिलाइज है जो चीज, ठीक है, एक तरफ तो वो है एंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड. तो यहाँ पे मैन पावर नहीं, ठीक है, गरीबी की बात कर रहे हैं कि एक एरिया की गरीबी को कैसे समझा जा सकता है कि उस एरिया के अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑन वन हैंड एंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिव, अनएक्सप्लॉयटेड, अबंडेंट, इनडेफिनेट या अनरिलायबल. अब देखो, अनरिलायबल तो नहीं हो सकता, इनडेफिनेट भी नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन ऑब्वियस ऑप्शन है जो एलिमिनेट हो गए. अब क्या बचा है वहां पे कि इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय कोएग्जिस्टेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज ऑन वन हैंड एंड डैश एग्जॉस्टिव अनएक्सप्लॉयटेड या अबंडेंट, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड. कि एक एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज, अब जैसे मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूँ आपको कि एक एरिया की बैकवर्डनेस कैसे समझी जा सकती है, कि एरिया में रिसोर्सेज कितने हैं और उनको यूज कितना किया जा रहा है, वहीं से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस समझ आएगी. कि एक 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 जगह में, अब देखो रिसोर्सेज हर जगह में होते हैं लेकिन उनको यूटिलाइज कितना किया जाता है उसी से उसकी बैकवर्डनेस समझ आती है. रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, एवरीथिंग इज देयर, बट उनको यूटिलाइज कितना किया जा रहा है. तो इट कैन बी कैरेक्टराइज बाय द कोएग्जिस्टेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑन वन हैंड एंड अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड, कि हैं कितने और यूटिलाइज कितना किया जा रहा है. नेक्स्ट, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली इम्प्लाइज अ प्रोसेस ऑफ डैश चेंज. डेवलपमेंट की बात किया तो इट इम्प्लाइज अ प्रोसेस ऑफ ड्रास्टिक चेंज, अपवर्ड चेंज, ड्रास्टिक चेंज, नेग्लिजिबल चेंज, इनक्रेडिबल चेंज या सडन चेंज. नेग्लिजिबल चेंज तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनक्रेडिबल तो अविश्वसनीय है, ये भी नहीं, मेरे को नहीं लग रहा. तो इट कैन बी अपवर्ड चेंज, ड्रास्टिक चेंज या सडन चेंज. अब ये ऑप्शन बनते हैं जो मेरे पॉसिबल पोटेंशियल ऑप्शन है. तो अपने पोटेंशियल ऑप्शन को रखा करो और जो ऑब्वियस ऑप्शन है जो वहां पे ठीक नहीं उनको एलिमिनेट किया करो. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली इंप्लाइज अ प्रोसेस ऑफ ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक चेंज बदलाव, ड्रास्टिक बदलाव आ जाना या सडन चेंज नहीं. इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय, इट कैन बी इंप्लाइड बाय एन अपवर्ड चेंज. तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अपवर्ड चेंज के भाई बाय विच के ऊपर जाए लोग, बाय विच द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, के हर इंसान की जो इनकम है पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी डैश ओवर टाइम. तो इट डिमिनिशेस ओवर टाइम, नहीं भाई, नेगेटिव डीजनरेट्स नहीं, ऑब्वियस ऑप्शन एलिमिनेट कर दो. इंक्रीजेस ओवर टाइम, सकम्स, सकम्स का होता है बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, तो ये भी गलत हो गया. स्टेबलाइजेस ओवर टाइम या इंक्रीजेस ओवर टाइम, तो स्टेबलाइज होना ओवर टाइम, स्टेबलाइज होगी पर कैपिटा या इंक्रीज होगी. तो इट इज एन अपवर्ड चेंज विच कैन बी बाय विच द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस ओवर टाइम. A simple but meaningful question arises, what leads to economic development? और ये आगे की उसने question put forward की है. तो इस तरह से आप अपने passage को पढ़ के आप अपने हर option को eliminate कर सकते हो. Obvious जो options हैं, idea देखा मैंने कि positive बात हो रही है तो negative options अपने आप eliminate होते चले गए सारे, और जो potential options बचे उनमें से फिर मैंने क्या किया, अपने logical और critical reasoning, critical ability use करके फिर मैंने अपने options को वहाँ पे choose किया है. तो elimination is the key. एलिमिनेट करके चलोगे आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे गाइस वहां पे, ठीक है. चलो गाइस, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं एक बार, एक और पैसेज को ट्राई करते हैं देखने एक बार. इन द 1930s एंड 1940s, तो 1930s 40s की बात हो रही है. ज्योग्राफी वाज अ डैश सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल. मैं अभी ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ गाइस, हमने फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ टोन समझना है, आइडिया समझना है.
देखना, इन द 1930s 1940s ज्योग्राफी वाज अ डैश सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल. चिल्ड्रन स्पेंट आवर्स मेकिंग मैप्स एंड डैश अबाउट स्ट्रेंज प्लेसेस पीपल्स एंड कस्टम्स. ओके, तो ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं कि ज्योग्राफी स्कूल लेवल पे सब्जेक्ट हुआ करता था. लोग बच्चे दे स्पेंट आवर्स मेकिंग मैप्स, और बहुत टाइम स्पेंड करते थे अबाउट ऑन मेकिंग मैप्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट स्ट्रेंज प्लेसेस पीपल्स एंड कस्टम्स. रीति रिवाज के बारे में, लोगों के बारे में और जगह के बारे में. नो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डैश अ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डैश अ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ किया. मेनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द यूएसए डैश सूट, और बहुत सारी यूएसए की यूनिवर्सिटीज ने भी डैश सूट, सूट मतलब उसी को फॉलो करने की तरह से बोलते हैं, फॉलो सूट होता है ऑप्शंस में. हाँ, दिख ही रहा है मुझे. हाँ जी, तो फॉलोड सूट, ये एक फ्रेजल वर्ब है गाइस. जो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रीडिंग हैबिट यहाँ हेल्प करती है आपको. एंड ज्योग्राफी हैज बीन पेंटेड विद अ रेसिस्ट ब्रश. हाँ, ज्योग्राफी को रेसिस्ट ब्रश. रेसिस्ट ब्रश क्या है मतलब गाइस? जैसे हम बोलते हैं कि अफ्रीका से लोगों को, स्लेव्स को, ठीक है, ज्योग्राफी जैसे जैसे मतलब डेवलप हुई, नई जगह पता लगने लगी, तो क्या होने लगा, ठीक है, अफ्रीका से लोग स्लेव्स को लेके आने लगे. तो इट हैज बीन, ज्योग्राफी हैज बीन पेंटेड विद अ रेसिस्ट ब्रश एंड नन वांट्स टू बी डैश. और कोई भी उससे क्या नहीं होना चाहता, क्या अफेक्ट नहीं होना चाहता. तो अब हमने एक समझ लिया कि ज्योग्राफी के बारे में है पूरा पैसेज और टोन क्या है, कि ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और क्या सब किया उन्होंने. अब ऑप्शन पे चलते हैं. In the 1930s and 1940s, geography was a dash subject. अब अपने options देखो एक बार guys. Full-fledged subject, yes. Resourceful subject, decent subject, boring subject या famous subject. Boring तो eliminate हो गया. Decent subject की भी यहाँ बात नहीं. Decent subject नहीं होता कभी भी. It was a resourceful subject, famous subject या full-fledged subject. ठीक है? तो क्या होना चाहिए guys? In the 1930s, 40s, geography was a resourceful, boring, decent, famous या full-fledged. It was a full-fledged subject. के 1930s, 40s में geography एक full-fledged subject हुआ करता था. अब जैसे in spite resourceful चीजें होती हैं, subject resourceful नहीं होता. और famous भी हो सकता था. It was a famous subject. लेकिन I think full-fledged जब हम पढ़ने की बात करते हैं ना, it was not a famous. Famous लोग होते हैं या चीजें होती हैं, invention होती हैं, subject होते हैं जिसे पढ़ते हैं, knowledge लेते हैं. But in the 1930s, 40s, geography was a full-fledged subject at school level. Children spent hours making maps. बच्चे क्या करते थे? They spent hours making maps. कि वो घंटे बताते थे maps बनाने में. And dash about strange places and peoples and customs. और क्या समझते थे? कि नई जगहों के बारे में knowledge लेना. तो children spent hours making maps and knowledge about. नहीं, कोई verb आनी चाहिए. Knowledge about and drawings about. And ignored about, learned about या figures about. हाँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ क्या आना चाहिए, children spent hours making maps and learned about strange places. कि geography एक full-fledged subject हुआ करता था, और they did not ignore it, they drew maps and they learned about strange places and peoples and sub customs. कि नए देशों के बारे में, नए रिवाजों के बारे में और नई जगहों के बारे में बच्चे सीखते थे बहुत कुछ. हार्वर्ड ने क्या किया? अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डैश ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1940s की बात कर रहा है वो. सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डैश ज्योग्राफी डिपार्टमेंट दे एस्टैब्लिश्ड, बहुत पुरानी है हार्वर्ड भी, दे एस्टैब्लिश्ड थोड़ी किया होगा. दे नर्चर्ड, इंटेंसिफाइड, डेवलप्ड या अबॉलिश्ड. अबॉलिश तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव टोन बता रहा है वो. तो नर्चर तो होता है बचपन से उसको करना, तो आई थिंक दे इंटेंसिफाइड, उन्होंने और बढ़ा दिया उसको. सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंटेंसिफाइड ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को इंटेंसिफाई कर दिया और बढ़ा दिया. क्यों? अब मेनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द यूएसए डैश सूट. अब डैश सूट मतलब होता है फॉलोड सूट, मतलब वही. हार्वर्ड इज इन द यूके, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया, बहुत सारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को इंटेंसिफाई कर दिया, मतलब बढ़ा दिया उसकी वैल्यू. और ऐसे ही क्या किया, यूएसए की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने भी यही किया. तो इसको हम फ्रेजल वर्ब में डालते हैं, ये होता है फॉलोड सूट, मतलब उसी काम को उसने, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी कॉपी किया. तो फॉलोड सूट का मतलब होता है कॉपी करना. जैसे मैं बोलता हूँ एवरीवन वाज डूइंग दिस एंड आई फॉलोड सूट, आई फॉलोड सूट का मतलब होता है मैंने भी यही किया.
तो क्लियर्ड सूट, प्रिपेयर्ड सूट, वॉर सूट, फाइट सूट, अब देखो ये रीडिंग हैबिट से आता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने की रीडिंग हैबिट यहाँ इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अगर ये पढ़ा हुआ है फ्रेजल वर्ब तो आपको ये समझ आएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंटेंसिफाइड ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि उसने और उसको क्या कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, एंड मेनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द यूएसए फॉलोड सूट, उन्होंने भी यही कॉपी किया, उन्होंने भी उसको बढ़ाया, बिकॉज ज्योग्राफी हैज बीन पेंटिंग पेंटेड विद अ रेसिस्ट ब्रश। मैं बात कर रहा था ना कि भाई वो स्लेवरी के ऊपर और उन सब ने कहा, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, ज्योग्राफी डेवलप हुई, नई जगहों के बारे में पता लगने लगा, डिस्कवरी हुई नई नई जगह की, तभी ये रेसिज्म बढ़ने लगा। तो ज्योग्राफी हैज बीन पेंटेड विद अ रेसिस्ट ब्रश एंड नन वॉन्ट्स टू बी, और कोई भी नन वॉन्ट्स टू बी डैश, नन वॉन्ट्स टू बी लर्न्ड, नन वॉन्ट्स टू बी सीन एज पार्शल, नन वॉन्ट्स टू बी व्यूड एज नेग्लेक्टेड, नन वॉन्ट्स टू बी प्रिपेयर्ड, नन वॉन्ट्स टू बी नॉलेजेबल। वो क्या कह रहे हैं कि भाई ज्योग्राफी को हर जगह पे एक रेसिस्ट ब्रश दिया गया है, कि ज्योग्राफी को बहुत खराब व्यू दिया गया था, लेकिन अब कोई भी उसको पार्शियल नहीं होना चाहता था, ये नहीं होना चाहता था कि ज्योग्राफी के कोई वीक सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी कोई छोटा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड एवरीबडी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ज्योग्राफी, सो दे intensified the departments of the geography and many USA universities also did the same. So geography has been seen with a racist brush and none wants to be seen as partial. क्यों improve किया, क्यों intensify किया उसको, कि कोई भी partial नहीं दिखना चाहता, मतलब कोई भी biased नहीं दिखना चाहता कि ये subject important है और वो important नहीं है, नहीं, हर कोई उसको बराबर की importance देना चाहता था। तो इस तरह से आपने sentence का मतलब passage का structure समझ के और फिर अपने ऑप्शंस को, ऑब्वियस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, और जो पोटेंशियल ऑप्शन, पोटेंशियल ऑप्शंस बचते हैं फिर उनमें से अपने ऑप्शंस को चूज करना होता है गाइस। बट इफ यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द पैसेज, अगर आपको पैसेज का आइडिया समझ आना शुरू हो जाएगा, आपको एक एक मतलब एक फेंट सा गट फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ये ऑप्शन यहाँ ठीक होना चाहिए। बट दिस कम्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब आपको रीडिंग प्रैक्टिस की आदत हो जाती है गाइस, समझ आ रहा है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ऐसे हमें इसको यहाँ पे डेवलप करना होता है। That's how we develop our paragraphs, our passages. इनको ऐसे develop किया जाता है, समझ रहे हो guys? So this was again कुछ गलतियाँ भी होंगी शुरू शुरू में, आपको लग रहा होगा कि कुछ और होगा, कुछ और option होना चाहिए, but it takes time to get there. तो आपको क्या करना है guys? Practice करते रहना है और अपनी गलतियों से समझते रहना कि हमने क्या गलतियाँ की हैं वहाँ पे। Got it guys? तो आज की key क्या थी? Passage को करने का तरीका क्या है? Read the passage twice. Find out the idea, find out the topic, find out the tone of the passage, and then read it the second time. And while reading it for the second time, eliminate the obvious options जो आपको tone के topic के according गलत लग रहे हैं. Look at the word type क्या है, and then looking at the sentence, looking at the idea, find out your potential options, and then choose your final option by reading all the options. अब देखना, पढ़ के देखना शुरू से। In the 1930s and 1940s, geography was a full-fledged subject at school level. Children spent hours making maps and learned about strange places and peoples and customs. Harvard University intensified a geography department after the Second World War. Second World War के बाद उन्होंने intensify किया उसको, and many leading universities in the USA followed suit. कि उन्होंने भी उसी चीज को copy किया। ज्योग्राफी हैज बीन पेंटेड विद अ रेसिस्ट ब्रश, कि उसको रेसिस्ट ब्रश दिया गया, कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, लोगों को इस तरह से उसको जिम्मेदार ठहराया है, एंड नन वॉन्ट्स टू बी सीन एज पार्शल, कि कोई भी पार्शल नहीं दिखना चाहता। तो नन वॉन्ट्स टू बी लर्न नहीं होना चाहिए, नन वॉन्ट्स टू बी प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए, नन वॉन्ट्स टू बी नॉलेजेबल नहीं होना चाहिए, नन वॉन्ट्स टू बी सीन एज पार्शल या नन वॉन्ट्स टू बी व्यूड एज नेग्लेक्टेड। तो none wants to be seen as partial, कि biased नहीं दिखना चाहता कोई भी department, कोई भी university, तो सभी ने geography को बहुत importance दी है। तो that's why guys you have to eliminate your options, eliminating options is going to help you. तो ये था guys आपका close test को करने का तरीका, I hope this was helpful for you, and I hope आप सबको समझ आएगा close test हम कैसे, हमें उसको what is the approach to it, आगे हम और sessions में इसको और देखेंगे और डेवलप करने की, समझेंगे कि और हम कैसे डेवलप करते हैं अपने रीडिंग एबिलिटी को और एबिलिटी टू इंप्रूव योर क्लोज टेस्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो गाइस डू लेट मी नो
कि आपको सेशन कैसा लगा, वॉज इट हेल्पफुल टू यू। तो अगर आपको कोई भी फीडबैक आपका है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का और नए नए कोर्सेज, नए नए चैप्टर्स लेके आने का आपके लिए। नाउ आई हैव प्रोवाइडेड आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हियर, यू कैन इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेल अस एट email@hello@edutap.co.in और इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एनीथिंग अबाउट अस आर वेबसाइट इज www.edutap.co.in और ये हमारा नंबर है 8146207241 एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर एज वेल। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड फॉर वॉचिंग दीज सेशंस सो पेशेंटली एंड गाइज अगेन स्टे सेफ फ्रॉम दिस एपिडेमिक ऑफ कोरोना वायरस एंड वी हैव टू कम आउट एज अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। So thank you so much for today, guys. I hope this session was fruitful and useful for you. Happy learning to you guys. Thank you so much.